गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और बार बार कई लोग पूछते हैं कि जब बीपीएससी का जब मेन एग्ज़ाम होता है वो कैसा होता है, उसका पैटर्न कैसा होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और यही सब बात, और उसमें कितने सारे विषय हैं, कैसा सिलेबस है, इसके बारे में बताइए। तो चलिए बता रहे हैं आपको कि परीक्षा के लिए मानक एवं पाठ्यक्रम की विवरणी दिया हुआ है। इसमें आपको कुल क्या होगा, तो आपको चार सब्जेक्ट होते हैं, कुल चार एग्ज़ाम, मतलब कि चार एग्ज़ाम होगा आपको। ये मेन की बात कर रहे हैं, यानी सबसे पहले क्या होगा, फॉर्म फिल करेंगे, वो किसका, तो प्री का। प्री 150 नंबर का होता है, वहाँ पर आप पास करेंगे तब मेन एग्ज़ाम के बारे में आप बढ़ेंगे आगे। तो मेन में क्या होगा, पहले आपको फिर अप्लाई करना होगा, जितना फ्री में पैसा लगा उतना आपको मेन में देना होगा, क्लियर है। और फिर मेन एग्ज़ाम, तो इसमें चार सब पेपर होगा। तो पहला क्या होता है, उसमें एक सामान्य हिंदी, उसके बाद में GS पेपर 1, GS पेपर 2 यानी सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2, और चौथा होता है ऐच्छिक विषय यानी ऑप्शनल, वो दिया है, उसमें से आप कुछ भी ले सकते हो, क्लियर है। सामान्य अध्ययन में जो सामान्य अनिवार्य विषय में पहला होगा सामान्य हिंदी, हिंदी तो सामान्य है, इसको अगर कोई पढ़े या ना भी पढ़े तो वह पास कर जाता है, क्लियर है, क्योंकि यह क्वालिफाइंग होता है। बस और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में दूसरा पेपर होता है, यानी पहला GS 1, और हिंदी कितने नंबर का, 100 मार्क्स का, और बाकी सब 300 मार्क्स के होते हैं। तो कुल यानी कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा मेन, तो 900 नंबर का मेन का एग्ज़ाम होता है, और जिस पर लगभग क्वालिफाइंग कौन करता है, लगभग 500, 510, 520 यही आसपास में इसका कट ऑफ रहता है। तो सामान्य अध्ययन 1 और 2, दो पेपर होंगे, यानी दोनों 600 नंबर के, क्यों, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। ऑप्शनल तो एक है, वो बहुत सारे का अपना अलग अलग होगा, लेकिन यह तो सबको तैयार करना है। सामान्य अध्ययन 1, इसमें क्या होगा, मात्र यही दिया सिलेबस, देख लीजिए। पहला, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, बस। दूसरा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम, यानी AIR कह लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन, ये वर्तमान यानी करंट अफेयर से इसमें क्वेश्चन पूछ देगा। और तीसरा होता है सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन और चित्रण, यह स्टैटिक्स, यानी कुल 3 बस। ऊपर वाले दोनों 108, एक क्वेश्चन 68 कितने नंबर का होगा, तो 38 नंबर का, और सांख्यिकी वाले में 2 क्वेश्चन या यह लगभग 72 नंबर का होता है, क्लियर है, यानी इसका वेट कम रहता है, लगभग 36 नंबर का होता है यह, और ऊपर वाले 38 नंबर के एक एक क्वेश्चन रहता है। तो प्रत्येक में से आपको कितना लिखना होगा, तो प्रत्येक में लगभग 3-3 क्वेश्चन है, तो यानी इसमें भी 3, तो 38 तो 30 108 नंबर, इसमें भी 108 नंबर, तो कितना होगा, 108 है 216 नंबर, और शेष बचा कितना आपका, तो 216 के बाद में शेष बच गया आपको 300 नंबर का कुल है, तो यानी 216 मतलब 84 नंबर, यही ना मार्क्स रहता है, हाँ कभी 84 रहता है, कभी 72 रहता है, यही इसमें आएगा आपको, इतना ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। और सामान्य अध्ययन 2 पेपर, इसमें क्या है, इसमें भी 3 टॉपिक, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक, और भारत का भूगोल, और आगे भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का प्रभाव, बस इतना ही इसका सिलेबस दिया हुआ है, और आपको इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, और आपको 38 पेज का जो कॉपी है वो कैसा रहेगा, तो इस तरह का रहेगा बना, और जिस चारों तरफ लाइनिंग रहेगा, इधर भी 1 इंची, इधर भी 1 इंची, ऊपर नीचे आपको छोड़ देना है, और बीच में ही आपको लिखना है, क्लियर है। और इसमें क्या होगा, पेपर 1 में आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, यानी व्यक्ति विशेष भी प्रश्न होगा। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा प्रभाव के आरंभ और विकास के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका संबंधित प्रश्न, ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे,
अब परीक्षार्थियों से यह भी आशा की जाएगी कि वे मौर्य काल तथा पाल काल का सचित्र निरूपण कर दे, बता दे एकदम कैसा था। पटना कला चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से भी वे परिचित होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन और चरित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकी आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और असंगतियों को का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी। और पेपर टू में क्या होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें पूछ दिया था इस पर क्या कि राज्यपाल कठपुतली है, बताइए क्यों, बाद में विवाद हो गया। संबंधित खंड में भारत की यानी बिहार स्पेशल राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में बिहार की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंध तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करेंगे। क्लियर, यह लिखित होगा और ऐच्छिक विषय इसी तरह बहुत सारे हैं। और उसके बाद में लगभग 120 नंबर का आपका क्या होगा, तो मौखिक एग्जाम होगा और पास कर जाओगे तो पद मिलेगा, तो पता ही है। तो आगे बढ़ देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आज हम लोग साइंस एंड टेक यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से ही शुरुआत करते हैं। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इसरो यह बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इसरो से क्वेश्चन बहुत बार बार आते हैं और बहुत तरीकों से आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हुए इसरो का वर्तमान या इसरो की वर्तमान उपलब्धियों की चर्चा कीजिए, तो कैसे लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई लिखने का तरीका कोई दुनिया में परफेक्ट हो, यह मेन का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव में परफेक्ट होता है, लेकिन मेन में आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई दुनिया में पैमाना न बना है कि आपको इसी पर लिखना है, लेकिन एक ऐसा लिखा जा सकता है कि आपको औसत नंबर या मैंने ऐसा नंबर चलेगा कि आप क्वालिफाई कर जाओ। जैसे भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का उद्देश्य, तो अंतरिक्ष अनुसंधान का उद्देश्य क्या होगा कि अंतरिक्ष तकनीकी को विकसित करना है, सिंपल बात है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में इसरो मुख्य भूमिका निभा रहा है, दूसरा कौन है, इसरो ही है। इसरो ने रिसर्च यानी खोज और डेवलपमेंट यानी विकास के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भारतीय उपलब्धियों का नेतृत्व किया है। आज तक दूर दूर कोई नहीं, DRDO है तो उसका वो लिमिटेड है, मतलब उसका क्षेत्र लिमिटेड, ऐसा नहीं प्राइवेट है, वो लिमिट है उसका, वो इसरो जैसा विश्वव्यापी नहीं है। इसका ही परिणाम था कि भारत के विविध क्षेत्रों में भारी मात्रा में लाभ की प्राप्ति हुई है। किसमें, तो इसरो बहुत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संस्था है। इसने वाणिज्यिक उद्यमों के माध्यम से विदेशी मुद्रा यानी अब इसरो रॉकेट के साथ साथ बहुत से देशों का उपग्रह भी छोड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा की आगमन में वृद्धि हुई है। इसरो की एक उपलब्धियाँ बताती है कि एक सरकारी संगठन, अब भारत में क्या है कि सरकारी संगठन का देख रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है या उसको बेच दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो घाटे में है, वो चल नहीं पा रही है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला नहीं कर रही है। लेकिन अब सरकारी संगठन अपने नियमित नियमों और बंधनों के बावजूद आज उत्कृष्टता यानी अपने आज स्वर्ण युग की ओर अग्रसर है। वर्ष, अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग इसरो के कुछ इतिहास। वर्ष 1962 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, पहले नाम था इसका, का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। वर्ष 1969 में इसका नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो कर दिया गया। इसरो ने अपना पहला उपग्रह 1975 ईस्वी में सोवियत संघ यानी आज का रूस के प्रक्षेपण यान C-1 इंटरकोसमो से प्रक्षेपित किया। इसके पश्चात वर्ष 1980 ईस्वी में इसरो ने अपने प्रक्षेपण यान, इसका मतलब पहले कौन, तो रूस ने इसको छोड़ दिया, कौन था, आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा था रूस। उसके बाद SLV का विकास हुआ यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, ये खुद अपना इसरो का था, से कौन, तो रोहिणी नामक उपग्रह लॉन्च किया गया। और इसके बाद इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV का विकास किया। वर्तमान समय में इसरो ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन क्षमता यानी GSLV की बात हो रही है, यह अब विकसित कर लिया है। और क्षमता युक्त, जब GSLV छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, तो भू स्थिर
उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी GSLV का भी विकास कर लिया है। इस तकनीक में शामिल होने वाला भारत विश्व का छठा देश है। कौन कौन पहले तो अमेरिका, रूस, जापान, चीन, फ्रांस है। वर्ष 2016 में इसरो ने 7 उपग्रहों का नौवहन प्रणाली जैसे GPS है, अमेरिका का GPS है, उसी तरह इन्होंने क्या किया तो कोशिश किया कि पहले उसका अभी तक भारत में GPS अपना न है, लेकिन IRNSS क्या है तो नौवहन प्रणाली यानी जो समुद्र में जहाज जाते हैं उनके लिए एक भारत का अपना खुद प्रणाली हो, इस पर GPS पर इनको निर्भर न करना पड़े। इसके लिए क्या विकसित हुआ तो नौवहन प्रणाली IRNSS नाविक के निर्माण में सफलता अर्जित की। इसके अलावा इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान यानी अब तक हम लोग क्या जानते हैं, एक बार उपग्रह छोड़ने पर रॉकेट जाता है फिर वो निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कर ली जाए कि यह रॉकेट गया ऊपर, यहाँ पर उपग्रह छोड़ दिया और फिर नीचे आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा। तो वही बात हो रही है, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का सफल तकनीकी प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन किया है, ऐसा भी हुआ ना है। यही नहीं, इसरो ने वर्ष 2017 में PSLV C-37 की मदद से एक साथ 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान बनाया और अपनी सफलता में एक नया अध्याय जोड़ा। उसके बाद भी भारत ने बहुत सारे काम किए, आप वो लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं, चंद्रयान मिशन पर गया, पहला गया था फिर दूसरा गया, दूसरा इस बार दुर्भाग्यवश असफल रहा। जितने चाहे इतना आप लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए इसरो की वर्तमान उपलब्धियाँ, इसमें आप जितना चाहते हैं लिख सकते हैं। एक साथ सर्वाधिक उपग्रहों का प्रक्षेपण यानी ये 2017 में हुआ था। क्या हुआ था कि PSLV C-37 के द्वारा कहाँ से तो सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है, से 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। इसे भारत रूस द्वारा 2004 में एक साथ 37 उपग्रहों का रिकॉर्ड तोड़कर एक साथ सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश बन गया। कौन तो भारत, दूसरा नाविक। यह भारत की स्वदेशी नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इस प्रणाली में कुल 7 उपग्रह हैं। यह प्रयोक्ताओं को पूरे देश में तथा देश के बाहर लगभग बाउंड्रीज के 1500 किलोमीटर दूर की सटीक अवस्थिति और समय सेवाओं की सुविधा प्रदान करती है। इसी तरह आप पॉइंट बनाकर जितना चाहो उतना लिख सकते हो, लेकिन कल्पना सोच में रखिए कि मात्र आपके पास समय 3 घंटा ही है, 3 ही घंटे में सब कुछ लिखना है और ऊपर से जो स्टैटिक्स का क्वेश्चन यानी सांख्यिकी का आता है उसमें भी आपको समय चाहिए, अतः संतुलन बना कर रखें। ऐसा ना कि एक में ही सब समय बर्बाद कर लिए और बाद वाला में छूट गया बाद वाला क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको घाटा है। आगे देखिए, दक्षिण एशिया सेटेलाइट, पहले इसका नाम साक सेटेलाइट था लेकिन इसमें पाकिस्तान इसे अलग हो गया, तब इसको क्या नाम रखना पड़ा, दक्षिण एशिया उपग्रह, और इसमें पाकिस्तान छोड़कर सार के सारे सदस्य हैं, इसके बारे में आप लिख दो। फिर GSLV Mark III यानी अब GSLV विकसित हो गया यानी क्रायोजेनिक इंजन, तो यह बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है, इसी से दूर दूर उपग्रह लॉन्च किया जाता है। यानी अब इस प्रक्षेपण यान की सफलता से अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का भी विकास किया जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो पहले ही अग्नि हो चुका है। और इसका परीक्षण कब हुआ था, 5 जून 2017 को इस प्रक्षेपण यान द्वारा भारत के संचार उपग्रह GSAT-19 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। आगे देखिए, उसके बाद फिर लिख दीजिए RLV TD, ये क्या है, वही इसरो ने पुनः प्रयोज्य परमोचक यान यानी RLV के प्रथम तकनीकी प्रदर्शनकारी परीक्षण में बड़ी सफलता प्राप्त की है, और यह स्वदेशी सब लिखिएगा क्योंकि इसरो स्वदेशी है। फिर मंगलयान, भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल पर अपना उपग्रह सैटेलाइट पहुंचा दिया, तो 5 नवंबर 2013 को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-25 से मंगलयान को सफलतापूर्वक छोड़ा था, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने में सफल हो गया। इस उपलब्धि के साथ ही भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर यान भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। सोवियत रूस, अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल पर यान भेजने वाले देशों की कतार में भारत अब शामिल हो गया है। उसके बाद देखिए, फिर GSAT-11, ये बहुत भारी उपग्रह है, जिसको कहाँ से तो फ्रेंच गुयाना, ये कहाँ है तो एरियन रॉकेट से भेजा जाता है, और यह फ्रांस का है यानी फ्रांस का, लेकिन गुयाना कहाँ है तो दक्षिण अमेरिका में है, वहाँ से भेजा गया, और यह
प्रति सेकेंड 100 गीगाबाइट से ऊपर की ब्रॉडबैंड की इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने लगी इसे भारत के। और भी भारत अभी बहुत सारे काम किया है, चंद्रयान के बारे में लिख दीजिए, चंद्रयान 2, फिर गगनयान मिशन के बारे में लिख सकते हो आप कि गगनयान मिशन भारत का प्रपोज्ड है, फिर भारत का भारत और अमेरिका का ज्वाइंट मिशन क्या है तो उसका नाम है निसार, फिर लिख सकते हो आप इसरो के बारे में कि भारत सोव का पहला सौर मिशन जो आदित्य L1 जाने वाला है, लेग्रेंजियन पॉइंट के बारे में लिख सकते हो, उस पर भेजा जाएगा वो लिख दीजिएगा लेग्रेंजियन पॉइंट तो उससे भी आपका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह के इसरो के भावी परियोजना के बारे में लिख दे सकते हो, वो क्या क्या करने जा रही है एक, और बहुत सारे जितना चाहो उतना लिख सकते हो। फिर लिखिए इस प्रकार इसरो ने अपने प्रयोगों और उपलब्धियों से भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल कर लिया है। इसरो अब अपने वाणिज्यिक प्रक्षेपण से विदेशी आय भी अर्जित कर रहा है। इसरो का प्रयोग न सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उपयोग होते हैं बल्कि इससे सामाजिक और आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। जैसे इसरो इस्तेमाल करता था पहले एक बैटरी, अब उसी बैटरी का इस्तेमाल हो रहा है कि अब वाणिज्यिक तौर पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें किया जाए, तो ये इसरो के फायदे हैं। प्रक्षेपण यान की तकनीक का ही प्रयोग कर DRDO भी विभिन्न प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रही है जो सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में भी लिख सकते हैं कि इसरो सही बात है कि इसरो बहुत आगे बढ़ी बहुत अच्छी है, फिर भी अभी इसरो को बहुत कुछ करना है और इस दिशा में अग्रसर है तो भावी प्रोजेक्ट भी लिखिए। तो इस तरह से एक हम लोग पूरे क्वेश्चन को देख लिए जो इसरो पर आधारित था। इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो क्या देखेंगे इंटरनेट के बारे में। अगर विश्व में इंटरनेट का उपयोग जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसी तेज़ी से निजता यानी प्राइवेसी के हनन की समस्या भी निरंतर गंभीर होती जा रही है। इस पर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की समीक्षा करना है। तो अगली बार तब तक धन्यवाद, आशा करते हैं कि अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय।